स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल जानेंगे, साथ साथ रिएक्शन भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कहीं अगर आ जाए डिफिनेशन लिखने के, तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो मैंने पिछले पार्ट में बताया था उसका ये अपोजिट होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट में सब्सटेंस आपस में जुड़ के एक फाइनल सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा जो कि रिएक्शन होने के बाद दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वही चीज डिफिनेशन में लिखा हुआ है, व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ सब्सटेंस की संख्या हमेशा सिंगल रहेगी, यही पहचान है इसका, ठीक है। व्हेन ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट, कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझ लो, यहाँ पे फेरस सल्फेट था FeSO4, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे, यहाँ पे फेरस ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे रिएक्टेंट में नंबर ऑफ सब्सटेंस की संख्या कितनी है, सिंगल है, वन नंबर है, लेकिन यहाँ पे कितना निकला, 1+2+3, यहाँ पे तीन नंबर ऑफ प्रोडक्ट निकले। तो जहां पे कोई एक सिंगल सब्सटेंस रहे रिएक्शन रिएक्टेंट में और रिएक्शन होने के बाद उसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ओके। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की नंबर ऑफ रिएक्टेंट की संख्या देखो, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे देखो दो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यही ना हीट करने पे टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझो, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था, तो ज्यादातर जितनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसके साथ हीट रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उल्टा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हीट इसमें लगेगी, ठीक है, इसमें हीट को आपको बाहर से देना पड़ेगा रिएक्टेंट में, तब ये जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तब ये जाके प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा, ठीक है। तो उसमें हीट रिलीज होती थी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, इसमें हीट सोख लेगा, मतलब कि हीट को इसमें पहले से आपको देना पड़ेगा। जबकि जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें हीट ऑटोमेटिक रिलीज होती थी रिएक्शन होने के साथ साथ, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो उसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, कोई भी रिएक्शन होता है अगर उसमें हीट ऊपर से दिया जा रहा है, हीट के कारण डायरेक्ट हीट, मतलब कि उसको आप कोयले जला के हीट दो, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीट दो, या फिर जैसे भी करके आप नेचुरल गैस जला के हीट दो, डायरेक्टली हीट अगर आप देते हो तो, और उसमें अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है वहां पे, तो उसको हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो ही रहा है लेकिन हीट के कारण हो रहा है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो केस है, यहाँ पे हीट अगर हम लोग देते हैं यहाँ पे हीट, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यहाँ पे भी एग्जांपल बात कर ले, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 ये सॉलिड स्टेट में, इसको हीट किए तो लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये टूट गया। रिएक्टेंट का नंबर देखो 1 है, यहाँ प्रोडक्ट का नंबर देखो 3 है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और हीट के साथ हो रहा तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे टूट गया, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है इसलिए मैं बैलेंस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हम लोग बर्निंग के थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, वो वाटर का फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं, मतलब कि वाटर को अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये टूट जाता है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट का नंबर देखो 1 है और प्रोडक्ट देखो 2 है, और वहां पे क्या हुआ था, कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट थे, नंबर ऑफ सब्सटेंस कितना हुआ, 2 है, अब प्रोडक्ट क्या बना था, वाटर बना था, तो वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ था। यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब जुड़े थे तो वहां पे वाटर फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हुआ था, और यहाँ पे आप देखो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी का अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, हीट, कोई भी लाइट, ये भी सब एनर्जी के ही फॉर्म है, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब है, इसीलिए तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें लग जाती है, तब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। और यहाँ पे आप देखो तो प्रोडक्ट की नंबर 2 है और रिएक्टेंट 1 है,
मतलब कि रिएक्टेंट ही टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जा रहा, वाटर टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बदल जाता, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। आप पूरा सेटअप यहाँ पे देख सकते हो, ये कंटेनर लिया गया जिसमें ये वाटर है, ठीक है, ये पूरा वाटर आप देख सकते हो। इसमें क्या किया गया, दो टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, ओके, और यहाँ पे ना ग्रेफाइट वाला ये रॉड लगा दिया, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे ग्रेफाइट, क्योंकि ये इनर्ट होता है, ओके, और यहाँ पे कैथोड एनोड मतलब की एक पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल बैटरी के, यहाँ पे डीसी वोल्ट देना जरूरी है, बैटरी के टर्मिनल से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एनोड वाला जो पार्ट हो जाता है, मतलब कि निगेटिव वाला जो पार्ट हो जाता है, वहां पे हमारा ऑक्सीजन निकलता है, और जो कैथोड हो जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, ओके। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे निकलने लगते हैं, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो जाता है, और ये एक तरह का एग्जाम्पल, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जो है एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन भी एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें हीट भी नहीं लगती और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगती, इसमें लगती है सनलाइट, ठीक है। अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट में एक्सपोज कर देते हैं, तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में एक्सपोज जाता है। यहाँ पर देखो, आप एक चाइना क्ले रखा हुआ, चाइना डिश रखा हुआ, इसमें हम थोड़ा सा सिल्वर क्लोराइड को डाल दिया, और सनलाइट जैसे ही आएगा ये सिल्वर और क्लोराइड में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म जो होता है, जो पहले वाला जो फोटोग्राफिक फिल्म जिसमें कि लाइट के सोर्स से उसमें एक निगेटिव बन जाता था, और फिर उसको हम लोग कैमरामैन वाले के पास जाते थे, वहां पे हम लोग जो पुराने जमाने का कैमरा होता था, आजकल तो डिजिटल हो गया, तो उसमें हम लोग उसको डेवलप कराते थे, तो वहां पे जो निगेटिव जो रील चलती थी, तो उसमें सिल्वर क्लोराइड का यूज होता था, और लाइट पड़ने से वैसा इमेज उसमें बन जाता था, क्योंकि उसमें तुरंत रिएक्शन हो जाएगा और सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। तो जो सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ सनलाइट के दौरान, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड AgCl के जैसा ही सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होता है, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन अगर आप देखोगे तो 17 ग्रुप में ऊपर नीचे होते हैं, तो लगभग लगभग नेचर सेम ही होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी अगर सनलाइट आता है तो सिल्वर और ब्रोमाइड भी ये टूट जाता है। तो हीट के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, या फिर लाइट के साथ कोई भी ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए जिसके कारण ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, मतलब कि इसमें हीट रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, और डिकम्पोजिशन होने के लिए। डिकम्पोजिशन हो रहा है मतलब वो रिएक्टेंट में सिंगल सबस्टांस है, प्रोडक्ट में दो या दो से अधिक सबस्टांस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी दो वाला का एग्जाम्पल है, इसके पहले जो लेड नाइट्रेट वाला था उसमें लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस दूसरा गैस निकला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला था, तो उसमें तीन तीन प्रोडक्ट निकले थे, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।